अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं अस्थाई मतलब टेम्पररी काम करने के लिए, अलग अलग तरीका होता है यहाँ पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं या कौन आपको स्पॉन्सर करता है, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। सबसे पहले तो ईद मुबारक और अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आई होप कि तुम लोगों ने इस महामारी और इस दुख भरे माहौल के बीच में भी थोड़ी बहुत वक्त निकाली होगी अपने खुद के लिए, थोड़ा बहुत खुशियाँ बांटने के लिए। तो अभी यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, मैं जाता हूँ छोटे से पार्क में, वहाँ बैठ के फिर बात करते हैं। वैसे आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में, हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से और यहां अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूं, यहां काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है। और साथ ही साथ आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं यहां पढ़ाई करने, कौन सा वीज़ा आपको चाहिए, कौन सा वीज़ा सही रहेगा, कौन सा वीज़ा कैसे मिलता है, अमेरिका में पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी क्या होती है, यहां की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूं। साथ ही कोशिश करते रहता हूं कि एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाऊँ जो खासकर छोटे गांव और छोटे शहर के लोग हैं उनके लिए। और मेरी जो जानकारी होती है मेरे चैनल में वो बहुत बेसिक होती है, तो अगर आपको बेसिक जानकारियां ही चाहिए होंगी तो आप धरती के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे दोस्त लोग इन्हीं सवालों को पूछते हैं, उन्हीं सवालों के आधार पर ही मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है। हालाँकि मैंने बहुत सारी जानकारियाँ अपने पुराने वीडियोज़ में दे दिए हैं, अगर आप चाहें आपके पास जब फुर्सत हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखना, बहुत सारी जानकारियां उसमें अवेलेबल है कि आपको यहाँ स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, यहाँ आने में कितना खर्चा होता है, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उन सारे वेबसाइट्स के बारे में। तो आज मैं फोकस करूँगा जो टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होता है, मतलब अमेरिका आने के लिए दो तरीके के वीज़ा होते हैं, ठीक है, एक इमिग्रेंट वीज़ा, दूसरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब होता है अस्थायी, मतलब आप यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं आ रहे हैं, आपका वीज़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रहता है कि 6 महीने के लिए हो सकता है, कि 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है। तो नॉन इमिग्रेंट या जिसे अस्थायी भी कहते हैं, अस्थायी वीज़ा में आपको बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा होता है, काम करने का वीज़ा होता है या यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं वो सब का वीज़ा होता है। तो आज मैं सिर्फ काम के बारे में बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर टेम्प्ररी वर्क वीज़ा कैसे मिलता है या फिर उसका जो प्रोसीजर है उसको मैं 9 चरणों में बताऊँगा, तो शायद वो आपके लिए आसान हो समझने में। मैं एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ उसका, हालांकि 10 मिनट की वीडियो में सब चीज़ बता पाना मुश्किल होता है और मुझे तो सब चीज़ों की समझ है, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता सकता हूँ लेकिन वो आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स में बताता रहूँ ये जानकारियाँ। तो हो सकता है कि वीडियो जो है बोरिंग लगे लेकिन प्लीज़ आप वीडियो से जुड़े रहना, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा हर एक वीडियो में, थोड़ा बहुत इधर उधर का जानकारी, और अगर आप इन जानकारियों को समेट सकते हैं तो समेट लेना और नोट करते जाना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अमेरिका में अगर जा पाना है तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छा रिज्यूमे बनाना है। आप मान ले रिज्यूमे आपने अच्छा बना लिया, अब अमेरिका या कहीं पर भी बाहर में, खासकर मुझे अमेरिका का ज़्यादा पता है, तो अमेरिका आप जॉब अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं इस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा के बारे में, तो आपको सबसे पहले काम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास काम होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे फिर आपको काम मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। इस टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा में सबसे पहले आपके पास क्या होना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा। तो मान लो अमेरिका में कोई जॉब निकला, इसलिए आप यहाँ के वेबसाइट में देखते रहिए, वेबसाइट का नाम मैंने पुराने वीडियोस में बताया है कि कौन सा वेबसाइट है जहाँ पर जाके तुम अमेरिका में टेम्प्रेरी काम देख सकते हो। आपने काम के लिए अप्लाई किया, आपको काम मिल गया, लेकिन इस बीच ये ध्यान जरूर रखना, ये मैं हर बार बोलता हूँ कि आप फ्रॉड से ज़रूर बच के रहना, किसी भी एजेंट को अपना पासपोर्ट नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, ये सब में कोई भी घूस नहीं लगता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, काम के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर आपको काम मिल गया, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे ही आपको काम मिला तो सबसे पहला स्टेप है इस टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा का, वो है आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर फाइलिंग अ पिटिशन, मतलब आपको अपने एम्प्लॉयर जो आपको काम दे रहा है उनको बोलना पड़ेगा, उनसे निवेदन करने पड़ेगा कि वो आपके लिए पिटिशन कर दे आपके वीज़ा के लिए। मतलब आपको डायरेक्टली वीज़ा नहीं मिलेगा, वो जो काम दे रहा है जो अमेरिका का कोई साहब है वो आपके लिए पिटिशन करेगा यहाँ का जो USCIS डिपार्टमेंट है वहाँ पर,
कि यहाँ कई बार ऐसे होता है कि वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, जो यहाँ पर काम देने वाला डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से उनको एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है, तो वो सारी प्रक्रिया होती है, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है उनको करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ उनको ये रिमाइंड करें और ये बताएं कि वो आपके लिए पेटिशन कर दे। उनके बिना पेटिशन मतलब याचिका दायर किए हुए अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका वीज़ा डिनाय कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा आपको वीज़ा। इसलिए जैसे ही आपको काम मिलता है, अगर आप इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहाँ से भी हैं, तो आपको पहले अपने एम्प्लॉयर को पूछना पड़ेगा कि आप उनके लिए पेटिशन कर दें। दूसरा होता है वेट अनटिल योर पेटिशन इज अप्रूव्ड, मतलब जब आपका पिटिशन जो है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए फाइल किया है, वो अप्रूव हो गया, यहाँ के USCIS डिपार्टमेंट ने कहा भाई ठीक है भाई हम अप्रूव करते हैं आपका जो पिटिशन है, उसके बाद ही आपके पास वो चिट्ठी आएगी, मतलब आपको बताया जाएगा, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से टाइप का वीज़ा होता है, कितने अलग अलग तरीके का वीज़ा होता है, वो मैंने पुराने वीडियो में बताए हुए हैं, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉयर से भी उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि कौन सा वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है यहाँ के पिटिशन देने वालों से, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है गेट टुगेदर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, मतलब इस बीच जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा, हालांकि रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स का होता है वो USCIS के वेबसाइट में मिल जाएगा। ये जानकारी बहुत आसानी से इंटरनेट में सर्च करके पा सकते हैं कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप वो डॉक्यूमेंट जब इंतज़ार कर रहे हैं तो इकट्ठा कर लिए रहे ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। चौथा होता है कंप्लीट योर वीज़ा एप्लीकेशन, मतलब अब तुमको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन भरना है, इसके लिए भी अलग से घूस नहीं लगता है, यही वो एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन जो, उसी में ही DS-160 एक फॉर्म होता है जिसके बारे में भी मैंने पुराने वीडियोस में बताया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पुराने वीडियोस को भी जाके देखना, बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ उसमें भी है। तो आप DS-160 एक फॉर्म होता है जो कि इंडिया में जैसे होता है आधार कार्ड ना, वैसे ही होता है, इसमें पूरा जानकारी सही सही भरना होता है, यही आपका सबसे मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक तरीके से आपके बारे में पूरी जानकारी देता है और इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। साथ ही ये जो फॉर्म होता है वो अंग्रेजी में भरना ज़रूरी होता है, तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप खुद भर सकते हैं, नहीं आती है तो किसी का मदद ले सकते हैं, या इसके लिए एजेंट को थोड़ा बहुत फीस दे सकते हैं, सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको भरना कैसे है वो नहीं पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता और ये ऑनलाइन ही भरा जाता है। पाँचवा, अपलोड अ रीसेंट पासपोर्ट साइज्ड फ़ोटो ऑन योर एप्लीकेशन, मतलब आपका जो ये एप्लीकेशन है उसके लिए एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, और वो पासपोर्ट साइज़ जो इंडिया का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो वाला नहीं चलेगा, उसके लिए एक अलग साइज़ दिया रहता है, मैं साइज़ यहाँ बगल में दिया रहूँगा साइज़, एग्जैक्ट साइज़ कितना होता है, वैसे ये भी जानकारी आप USCIS के वेबसाइट में जाकर ले सकते हैं कि इस फ़ोटो का साइज़ कितना और कैसे होना चाहिए। छठवा, सबमिट योर एप्लीकेशन, अब आपका जब एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गया, सबमिट बटन आपने क्लिक किया, सबमिट कर दिया, उसी समय आपको मिलेगा एक प्रिंट की अप्रूवल कि भाई आपने सबमिट कर दिया है, उसको प्रिंट करके घर में सेफ जगह में रख लीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो रिसीट जो आपके पास है उसको जो US कॉन्सुलेट है उसको दिखाना पड़ेगा। सातवां है कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट US एम्बेसी और कॉन्सुलेट, मतलब आपके जो नज़दीक में वाणिज्य दूतावास है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर उनको बता सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, वो आगे के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल उनके वेबसाइट में दिया रहता है, उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कब होगा और कहाँ पर होगा, जो आपके शहर से सबसे नज़दीक है, आपके गाँव से जो नज़दीक शहर है वहाँ पर आप अपना इंटरव्यू डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। इस बीच मैं जो भी बता रहा हूँ अगर वो आपको कन्फ्यूजिंग लगे तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है gawar.inqilabi@gmail.com, मेरा इंस्टाग्राम है फ़कीर फिरंगी, हालांकि मैं इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव नहीं रहता हूं, तो आप जब मैसेज करते हैं आप समझने की कोशिश करना कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, और अभी कोरोना का चल रहा है तो उसमें भी हम बहुत मदद कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पाता सबका जवाब देने में, लेकिन आप जब मैसेज करते हैं तो सीधा सवाल को पूछिए ताकि मैं सीधा जवाब दे सकूं आपके जो भी सवाल हैं, हाय हेलो, या फिर ये मत पूछिए कि क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं इसीलिए मैं ये आईडी दे रहा हूँ, तो आप सीधा सवाल पूछिए, हो सकता है मुझे जवाब देने में विलंब हो, लेकिन बहुत लोगों को पता है कि मैं फ़ोन करता हूँ आधा एक घंटा मैं फ़ोन करके बात करके एक्सप्लेन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, तो इसमें मुझे खुशी होगी अगर उसमें मैं भागीदारी निभा सकूं, तो मुझे ईमेल जरूर करना, ठीक है। फिर आठवां है पार्टिसिपेट इन वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का उसमें आपको हिस्से लेना है, पहले आपका वो फिंगरप्रिंट वाला अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जहाँ पर आपका
ये जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाएगा। वहीं पर आपको वीज़ा का फ़ीस भी भरना पड़ता है, जितना भी फीस होगा। जैसे सामान्यतः टेम्प्ररी वर्क वीज़ा का होता है $190, वहाँ पर आपको रिसीट मिलेगा। और फिर आपका जो इन पर्सन इंटरव्यू होगा उसके लिए भी आपको उसी वक्त डेट भी मिलेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ही वो इंटरव्यू हो, तो वहीं शहर में अगर रुके हो तो उसी शहर में रुक सकते हो एक दो दिन के लिए, ताकि फिर से आपको अपना गांव वापस ना आना पड़े। और इस तरीके के जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पर घंटा भर पहले ही पहुंच जाइए, ताकि किसी तरीके का हड़बड़ाहट ना हो जिससे आपका इंटरव्यू छूट जाए। और इंटरव्यू के दौरान आपके काम के बारे में और आप कहां रहते हैं, आपने जो जानकारियां भरी हुई है एप्लीकेशन में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो पूछेंगे। और फिर यहां का अगर आपके पास काम का ऑलरेडी सर्टिफिकेट है कि भाई आपको काम मिल चुका है, तो अगर आप सब जवाब सही देते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू कैसे देते हैं उसके बारे में भी अलग से वीडियो है, क्या पूछते हैं वो लोग, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको काम मिला है, आप यहाँ आना चाहते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और नौवां साथ ही आखिरी इसका जो स्टेप है इस मेथड का, ये टेम्प्ररी वर्क वीज़ा यहाँ अमेरिका में पाने का, वो है पिकअप योर वीज़ा एट एम्बेसी और काउंसिल। मतलब आपको वहाँ एम्बेसी जहाँ पर इंटरव्यू होगा है वहीं पर आपको पूछ लेना होगा। और यह बता देंगे आप जब पूछेंगे वो लोग तो, कि आपका अगर वीज़ा अप्रूव हो गया तो पासपोर्ट वो लोग रखेंगे। कब वहाँ पर मिलेगा पासपोर्ट, आपको वहीं एम्बेसी में लेना है, या अगर आप बहुत दूर में रहते हैं तो कई बार वो आपको कुरियर भी कर सकते हैं, तो वो जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। और फिर जैसे ही आपको डेट मिला वो बताएंगे कि भाई आप यहाँ आ सकते हैं या वहाँ भेज देंगे। मेक श्योर वहाँ से जब आप निकल रहे हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप लेके गए थे इंटरव्यू में, हमेशा आप एक कॉपी, फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी आप लेके ही जाए। तो मेक श्योर कि आपका सब ओरिजिनल कॉपी आपने पूरा बैग में रख लिया है। हम अक्सर भूल जाते हैं ना खुशी में ऐसे, तो बाद में जाके लड्डू मिठाई जो भी बांटना है खाना है वो खाते रहना। आपको वीज़ा मिल गया तो आपने बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत छोटे गाँव से हूँ, तो वो खुशी कितनी मतलब अद्भुत होती है। तो दिल से थोड़ा बहुत इधर तुम थैंक यू बोल देना, हम उसको ईद समझ लेंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ पर शाम ढलने वाली है अमेरिका में। आगे के वीडियोस में भी मैं इस तरीके की जानकारियाँ बताते रहूँगा। पर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर देते रहना, मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहूँगा। ये सब का मकसद सिर्फ व्यूअर सब्सक्राइबर पाने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की जानकारियाँ छोटे छोटे जगहों तक पहुँचे। नहीं तो यहाँ पर अमेरिका में छोटे जगह से बहुत कम लोग रहते हैं, सब अमीर लोग, बहुत जिनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सब रहते हैं। खैर चलो फिर बोलोगे मैं बहुत दगबग कर रहा हूँ। अगले वीडियो मिलते हैं अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।